हेलो फ्रेंड्स, आई एक्सेप्ट इट। रियली इंग्लिश इज अ फन लैंग्वेज, बट सर्टेनली नॉट व्हेन वी स्ट्रगल विद अ फ्यू स्पेलिंग हेयर एंड देयर एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव बीन मिस स्पेल्ड इन सर्चेज और बी हेजिटेट टू स्पीक। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी बात जो आप रोज में बताता हूँ, क्यों बताता हूँ कि आप डेली यूज वर्ड्स रट डालिए, डेली यूज सेंटेंसेस रट डालिए। तो वो डेली यूज सेंटेंसेस कौन से होंगे, मैं दूसरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो लाता हूँ वो मैं न्यूज़पेपर से लेकर आता हूँ या मैगजीन से लेकर आता हूँ, जो आजकल लोग बोलते हैं या जिनका यूज पत्रकार लोग करते हैं, जर्नलिस्ट लोग करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो वर्ड्स बोलते हैं, मैं उन्हीं वर्ड्स को आपको सिखाता हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड में है उन वर्ड्स को हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ऐसे कैटेगरी हम लेकर चलेंगे सीखने के लिए, एक तो बेसिक इंग्लिश, दूसरा एडवांस्ड इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश और एडवांस्ड इंग्लिश के सेंटेंस में फ़र्क क्या है वो आज जान लीजिए। आपको तो लगभग बेसिक इंग्लिश आती ही है, तो वही एडवांस्ड इंग्लिश क्या है जो हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। मैंने सोचा एक वीडियो उस पर भी बना देता हूँ कि बेसिक इंग्लिश के सेंटेंस क्या होते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश क्या होते हैं। तो बेसिक इंग्लिश वो होती है जो कि हम बहुत ही ग्रामर के टिपिकल रूल्स से बनाते हैं, और एडवांस्ड इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इधर से उधर एक वर्ड लगा देते हैं और वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रूल का यूज हम नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो सेशन में कि बेसिक इंग्लिश वाले सेंटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं और एडवांस इंग्लिश के वो एग्जांपल सेंटेंसेस देख सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश वर्सेस एडवांस्ड इंग्लिश, अब फर्क ये है, देखिए पहला जो सेंटेंस है मैं बताने कोशिश कर रहा हूँ, बी का मतलब होता है, बी स्टैंड्स फॉर बेसिक इंग्लिश एंड ए स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड इंग्लिश। सो माय ग्रैंडफादर इज डेड, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। माई ग्रैंड फादर इज डेड, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दादाजी मर गए हैं। अब आप ये नॉर्मली बेसिक इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, और एडवांस में बोलेंगे माई ग्रैंड फादर इज पास्ट अवे। पास अवे इज अ फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेजल वर्ब है, और जब हम फ्रेज से बनाते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस तो बहुत ही उम्दा माने जाते हैं, बहुत ही डिसेंट माने जाते हैं इस सेंटेंस। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, मैं बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब आई एम बेटिंग एनेक्सियसली कर देंगे, आई एम बेटिंग फॉर यू एनएक्सेसली, आई एम एनएक्सेसली वेटिंग फॉर यू, मैं आपकी जो है बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये बेसिक हो गया। और एडवांस में कैसे होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू, है ना, मैं आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा करूँ, तो लुकिंग फॉरवर्ड जो हो गया ये आपका हो गया फ्रेज। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू आउट, अब मेक आउट मैंने समझना होता है, आई वॉन्ट टू मेक इट आउट, मैं इसे समझना चाहता हूँ, उसी में आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये बहुत अलग हो जाता है। तो फ्रेज से आप अगर बोलेंगे तो बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। अगला देखिए, आई डोंट लाइक दिस, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। और एडवांस में होगा आई डिसलाइक दिस, मैं इसे नापसंद करता हूँ। सीधा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है और एडवांस में शॉर्ट में है, ये होता है बोलने का तरीका, ये होता दोनों में अंतर। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। अगर आपको बोलना है आई एम ऑफ टू मुंबई, OFF, मतलब मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं मुंबई के लिए ऑफ हो चुका हूँ, है ना, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे अभी मान लीजिए सेंटेंस में कि हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया, या हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, या हैव यू ईटन योर मील, क्या आपने अपना भोजन कर लिया, तो ये हो गया आपका बेसिक। और इसी में हम बोल सकते हैं एडवांस्ड में कि हैव यू डन, हो गया इसका मतलब कि क्या आपने खा लिया, क्या आपने कर लिया, क्या आपने पी लिया, आपको कुछ नहीं बोलना, केवल एक वर्ड बोलना है, हैव यू डन, आपका हो गया क्या, ठीक है, इसका मतलब यही है आपका। आई एम गोइंग टू मुंबई और आई एम ऑफ टू मुंबई। अगला देखिए, आई विल डू दिस डेफिनेटली, मैं इसे निश्चित रूप से करूंगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में एडवांस में बोलेंगे आई विल डू दिस फार श्योर। फार श्योर माने निश्चित रूप से, वही आ गया ना फ्रेज वाला मामला, दो वर्ड का फ्रेज। अगला आई लाइक शॉपिंग, मुझे शॉपिंग करना पसंद है, मुझे खरीदारी करना पसंद है, तो एडवांस में बोलेंगे आई एम इनटू शॉपिंग, मैं शॉपिंग में, देखो इनटू यूज कर लिया हमने, यानी यहां पर प्रेपोजिशन का यूज हो गया, तो ये होता है। अगला देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई एम अनएबल टू हियर यू, अगर मान लीजिए आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही मोबाइल पर, या सामने वाले से बात करते समय आप ऐसा बात कर रहे हैं वहां पर आवाजें बहुत सारी हो रही हैं और सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, यही तो बोलेंगे आई एम अनएबल टू हियर यू, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं। तो आप इस तरह से बोलेंगे बेसिक में आई एम अनएबल टू हियर यू, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत ही अकवर्ड फील होगा, बहुत ही बैकवर्ड कहलाएंगे आप। इसी को आपको बोलना है पार्डन, केवल एक वर्ड बोल दीजिए पार्डन, ठीक है,
मान लो आपको सुनाई नहीं पड़ा सामने वाले ने क्या बोला, तो आप बोलिए पार्डन या आई बेग योर पार्डन, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, कि मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा। नहीं तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा मुंबई दिल्ली में बोला जाता है सबसे बढ़िया सॉरी, है ना, सॉरी या एक्सक्यूज मी, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक्सक्यूज मी या सॉरी, ये कहने का मतलब सामने वाला समझ लेगा कि आपको उसकी बात सुनाई नहीं पड़ी, तो अपना वो सेंटेंस अपना रिपीट कर देगा, ठीक है। अगला देखिए, आई लाइक मुंबई वेरी मच, मुझे मुंबई बहुत ज्यादा पसंद है, तो वेरी वाला सेंटेंस मैंने बहुत पहले बना दिया था वीडियो में, देखिए ये बहुत आपको जल्दी समझ में आएगा, वेरी वाला बहुत ज्यादा, आई लाइक मुंबई वेरी मच, मुझे मुंबई बहुत ज्यादा पसंद है। अब यही आप सेंटेंस अगर एडवांस्ड इंग्लिश बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे आई एडोर मुंबई, जो लाइक वेरी मच आएगा, लाइक वेरी मच बहुत ज्यादा पसंद करना, तो लाइक वेरी मच का एक वर्ड है एडोर, ADOR, एडोर मैंने बहुत ज्यादा पसंद करना, आई एडोर मुंबई। अगला हो गया आई एम वेरी टायर्ड, अब वेरी टायर्ड मैंने बहुत थका हुआ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड को एक वर्ड में बोलिए, वेरी टायर्ड हटा करके, वेरी टायर्ड कॉन्सेप्ट ही हटा देना है, वेरी टायर्ड बोल दीजिए आई एम एग्जॉस्टेड, 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 आई एम एग्जॉस्टेड, यानी मैं थका हुआ, बहुत बुरी तरह थका हूँ। अगला है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर किसी चीज को बोलना हो भाई ये बहुत खूबसूरत है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल दोनों शब्द को हटाकर एक वर्ड लगा दीजिएगा एडोरेबल, एडोरेबल माने देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, यानी खूबसूरत उसका भी मतलब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बताना है कि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हटा करके आप इसकी जगह पर लगा दीजिए क्रूशल, CRUCIAL, दिस मीटिंग इज क्रूशल फॉर मी, ठीक है, तो हो जाएगा। ये होता है बेसिक और एडवांस में डिफरेंस अंतर, इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश तभी आएगी जब आप बेसिक सीखेंगे, बेसिक सीखने में 3 महीने जाते हैं अगर सही से टीचर मिल गया सिखाने वाला, और अगले 3 महीने में एडवांस्ड में आप फराटा बोल सकते हैं। तो ये तो मैंने करके दिखाया, मैंने किया है, मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, बहुत ही आगे गए हैं, अलग अलग जगह पर पढ़ाया, ठीक है, कामयाब हुए लोग, तो वो तरीका आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको एक फर्क समझ में आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अंतर हमें क्या करना है, इससे एक जोश मिलेगा। ये समझो टिप्स थी आपके लिए कि आप किस तरह से बेसिक और एडवांस इंग्लिश में अंतर समझते हैं, यानी आपको नेक्स्ट लेवल जो बेसिक्स जाना हो कहाँ जाना है और आपको क्या सीखना है, स्मार्ट बनना, मतलब मेरे कहने मतलब जो गधा वाला काम है घिसट घिसट कर चलने वाला उसको स्मार्ट तरीके से बोलना है, दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। सो मेरे ख्याल से वीडियो आपको बहुत पसंद होगा, तो वीडियो प्लीज लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।